सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। पिछले दिनों पुलवामा हमले के बाद पंजाब में कश्मीरी विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस की ओर से चौकसी बढ़ाई गई थी। वहीं दूसरी ओर राजपुरा के डालिमा विहार में स्थित एक पीजी में रहने वाले कश्मीरी नौजवान के लापता होने पर पुलिस ने कुछ ही घंटों में नौजवान को बरामद करने में कामयाबी प्राप्त की है और वहीं नौजवान के रिश्तेदारों और दोस्तों ने पुलिस प्रशासन की प्रशंसा की। इस संबंधी जानकारी देते हुए कश्मीरी नौजवान के रिश्तेदार शाहिद अमेदी निवासी जम्मू ने बताया कि बीते दिन 22 फरवरी को उसका दोस्त फैजल इकबाल खान निवासी बारामूला जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और वह राजपुरा में पढ़ाई करने आया है और वह डालिमा विहार में हमारे साथ पीजी में रहता है। उन्होंने बताया कि बीते दिन वह घर से बाहर गया और वापस नहीं आया, जिसके कारण आज उन्होंने 181 नंबर पर फोन करके उसके लापता होने की शिकायत दर्ज करवा दी, जिसके बाद पुलिस पार्टी ने तुरंत हरकत में आकर डीएसपी राजपुरा मनप्रीत सिंह की अगुवाई में कुछ ही घंटों में नौजवान को ब्यास अमृतसर से बरामद कर लिया। इस बारे में हमारे संवाददाता ने कश्मीरी विद्यार्थियों व थाना सिटी के एसएचओ कवर पाल से विशेष तौर पर बात की। आइए आपको सुनाते हैं इस बारे में उनका क्या कहना था। और मैं कश्मीर में रहता हूँ, हम यहाँ पर स्टडी के लिए आए हैं। मैं बीटेक कर रहा हूँ यहाँ से। तो हमारा एक बंदा मिसिंग था यहाँ पर, तो उसकी वजह से हम यहाँ थाने पहुँच गए थे मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो यहाँ की पुलिस ने हमें बहुत सपोर्ट किया उसको फाइंड आउट करने में। वैसे हम पिछले दिनों में जो हालात यहाँ पर ख़राब हुए थे पंजाब में, तो यहाँ पर जितने भी कश्मीरी लड़के थे जो स्टडी के लिए आए थे उनके साथ जातियाँ हो रही थी, आदों को मार रहे थे, आदों को वो डर गए और वो मतलब घरों को जा रहे हैं। अब तो इसमें जो मेन रोल जो पंजाबी सरदार लोगों ने हमें बहुत मदद की यहाँ पर, चाहे वो घर जाने की बात हो, चाहे वो खाने पीने की बात हो, चाहे वो किसी एंगल से भी मतलब मदद की बात हो, पूरी तरह से उन्होंने मदद की हमारी पंजाबी लोगों ने। तो वैसे ही हम कश्मीर की अगर बात करें, कश्मीर में भी पूरा सपोर्ट अभी देखने को मिल रहा है ये सरदार लोगों को। वहाँ पर फ्री हो गया सब कुछ, होटल हो गए फ्री, वहाँ पर अगर टूरिस्ट प्लेस पे देखें हम, वहाँ पर सब कुछ फ्री हो गया कश्मीरी लोगों के लिए, ये सिख लोगों के लिए, सरदार लोगों के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ ये पंजाबी लोगों का, जिन्होंने जो बार बार हर एक मोड़ पे हमारे कश्मीरियों की मदद करते हैं। We are all thankful for Punjabi people. I am presently studying in Chitkara University, Punjab campus, and pursuing their BSc Radiology. And I am very thankful to the DSP Rajpura and SSP Patiala. They cooperate very, very, very interestingly. उन्होंने बहुत cooperate किया हमारे साथ। हमें बहुत tension हो रही थी। In fact, मतलब हमने कल से कुछ भी नहीं खाया था। इतनी tension हो रही थी हमें कि वो मिल जाए। उन्होंने बहुत cooperation की है। मतलब वो इनफैक्ट दो दो मिनट के बाद कॉल कर रहे थे, कुछ पता चला। इनफैक्ट उनने पूरी टीम लगाई उनको लोकेट करने के लिए। एंड फाइनली उन्हें SHO हमारे साथ भेजा था, ऑन द वे पे जा रहे थे वहाँ। तो फिर उन्होंने वहाँ जो फैसल है जो मिसिंग थे, तो उन्होंने कॉल किया कि उन्होंने बोला कि आप मैं ठीक हूँ, मैं खुद आ जाऊँगा। तो एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द पंजाब पुलिस ऑल्सो, दे कोऑपरेट वेरी वेरी ब्यूटीफुली। थैंक यू। साढ़े को तकरीबन कोई साढ़े दस बजे 181 तो कंप्लेंट आई थी, जिसके फैजल इकबाल खान जो कि इतने तो जो है फ्राइडे तो जो है गुम है, मिसप्लेस है, बिनो तंत जो ट्रेस किया जाए तो मान योग एस एस पी साहब के पटियाला जी के मजिस्ट्रेट साहब पटियाला जी के दिशा निर्देशों के अनुसार उन्होंने दी गाइडेंस के मुताबिक तुरंत ही जोड़े है कार्रवाई करते हुए इस व्यक्ति को जो है 1.5 घंटे के अंदर ट्रेस कर लिया। कितों ट्रेस किया जी? ये सर जो है इतों शुक्रवार को गया पटियाले, तो फिर ना फिर ये ब्यास गया, ब्यास तो ही सर जो है बंदा उत्थे जोड़े तालमेल। आप कि पता लगा जी भी अमृतसर ये मानयोग एस एस साहब पटियाले बेनती करके जो है कॉल डिटेल कराई, कॉल डिटेल करा के लोकेशन कराई, लोकेशन तो सूँ पता लगे ब्यास है, तो ब्यास तो जिस टाइम उतो तालमेल किया, तालमेल करके उस बंद टेलीफोन के साथ गलबात मिल गया। राजपुरे पहुंच गया सर मुंडा जी? ये मुंडा राजपुरे पहुंचने वाला है, रस्ते के बच्चे ही गया।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ? ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਿਆਸ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਿੰਗ ਦੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਪੀਐਨਬੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਇੱਥੇ ਤਾਲੀਬਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੇ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।